हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एलजी कंपनी या किसी भी कंपनी के, सैमसंग, ओनिडा, किसी भी कंपनी में सेंसियो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करें। तीन चार जगह से प्रॉब्लम आता है, ठीक है। मैं एक एक करके बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अब मैं पीसी भी दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको चेक करना है योग, चेक करना है, ठीक है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाना है। देखिए, ठीक है, योग बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको फिर से इसे वैसे ही लगा देना है। देखिए क्या होता है, योग से ये प्रॉब्लम होता है। अगर योग कटा हो, ओपन हो, तो भी होगा। दूसरा चीज़, वर्टिकल आईसी खराब हो तो भी होगा। तीसरा चीज़, वर्टिकल आईसी के पास सही वोल्टेज, +14 वोल्टेज और -14 वोल्टेज नहीं पहुँचेगी, तभी भी ये प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और फिर सिस्टम आईसी जो है, अगर ये ओपन हो जाए, ये खराब हो जाए, तो भी ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी तीन चार जगह से ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो योग आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब ये आईसी आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आईसी भी ब्लास्ट की हुई अगर होगी तो उसको चेंज कर दीजिए, वोल्टेज सही चेक करके। अगर वोल्टेज अधिक आ रहा होगा तो आप डायरेक्ट आईसी नहीं लगाइए, आप पहले वोल्टेज की माप कर लीजिए, भाई प्लस और माइनस दोनों 14 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। उससे ज़्यादा मिल रहा है तो वोल्टेज सही करिए, उसके बाद आईसी डालिए। अगर सही वोल्टेज है, आईसी ब्लास्ट कर चुका है, तो फिर से आप नया आईसी लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या दिक्कत है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है या फिर आईसी खराब है। ठीक है, मैं सप्लाई दे रहा हूँ। मीटर के एक प्रोब को आप ग्राउंड कर लें, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑलरेडी, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है -14 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे +14 वोल्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे, यहाँ से निकला हुआ यहाँ आया, और देखिए -14 वोल्ट तो आपको मिल रहा है, सही है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे +14 वोल्ट मिलना चाहिए, वहीं पे वापस जो रिटर्न है वो -14 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे +14 वोल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे +14 वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। दो कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर पे +14 मिलना चाहिए, एक पे -14 मिलना चाहिए, दोनों पे माइनस मिल रहा है। इसका मतलब प्लस वाला जो है, ये सर्किट ओपन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सप्लाई निकाल देना है, मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाना है, ठीक है। मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाइए, ठीक है। अब देखिए, ये वाला तो सही है, ठीक है, माइनस वाला सही है, +14 वोल्ट जो है उसको सर्किट चेक करिए। यहाँ पे, यहाँ तक सही है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है ओपन है आपका, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कब ओपन होगा, जब आगे शॉर्टिंग होगा तब ओपन होगा, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये हो गया प्रॉब्लम, यहाँ हुआ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ तक अब खत्म था, अब यहाँ से आप इस प्रोब को यहाँ रख दीजिए। अब देखिए, यहाँ तक सही है, यहाँ देखिए यहीं पे प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे डायोड लगा हुआ है जो कि फुल शॉर्ट है, ठीक है। डायोड जो है फुल शॉर्ट है, आपको क्या करना है, डायोड रिमूव करना है, ठीक है। सही होने के बाद भी मैं एक बार वोल्टेज चेक करा दूंगा, उससे आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पे 5399 करके डायोड लगे होते हैं, ठीक है, उसे आपको चेंज करना है, ठीक है। ये डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, इसे आपको बदलना है, ठीक है। ठीक है, 5399 डायोड आपको लगाना है, ठीक है। नंबर शायद आपको ठीक से नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, 5399, मैं इसका वैल्यू बोल देता हूँ, 5399 डायोड आपको लगाना है। और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, 10 ओम तक लगा सकते हैं, 33 ओम तक कोई भी लगा सकता है, ठीक है। इसका कलर कोड होगा
कत्थी, काला, गोल्डन, ठीक है। ये जस्ट फ्यूज की तरह काम करता है। अगर ये शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होगा या फिर आगे कहीं शॉर्टिंग होगा, तो ये फ्यूज की टाइप करेगा, ये उड़ जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका अगर मैं प्लेस कोड आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डायोड जो है D405, डायोड का लोकेशन D405 है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का लोकेशन जो है FR406 है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए इधर से ही लगाने का, पिछले पिछले जहाँ पे टीवी बना हुआ है वो मैकेनिक ने ऊपर से ही लगा दिया था, उल्टा जो PCB है उधर से लगा दिया। उधर से लगाना सही नहीं होता है, काफ़ी हद तक भरसक आप प्रयास करें, अगर थोड़ा भी जगह है तो इधर से ही लगाएं, ठीक है। मैं लगा के फिर आपको दिखाता हूँ, फिर से अच्छी तरह से सोल्डिंग कर दें, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी कन्फ्यूज़न या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। सोल्डिंग अच्छे से करें, कहीं शॉर्ट ना हो, दूसरे प्रिंट में कोई प्रिंट शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो अब मैं सप्लाई देकर फिर से इसका वोल्टेज चेक करता हूँ और देखता हूँ कि +14 वोल्ट जो नहीं मिल पा रहा था अब मिल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, आप देखिए, देखिए +16 वोल्ट जो नहीं मिल पा रहा था अब बिल्कुल मिल रहा है, यानी एक कैपेसिटर पे, ठीक है, प्लस, और यहाँ दूसरा कैपेसिटर जो लगा हुआ है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो बिल्कुल सही वोल्टेज बनने लगा है, और आप देखिए पिक्चर भी आ चुका है, तो मैं सामने ले जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं मेनू लगा के अभी आपको दिखा देता हूँ ताकि पिक्चर पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।